हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मी कोडर। दिस इज अंकुर जायसवाल हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम वीएस कोड एडिटर को विंडोज 10 में कैसे इंस्टॉल करते हैं इसको देखने वाले हैं। सो सिंपली मैं ब्राउजर पे आ गया हूँ। ब्राउजर पे आने के बाद आपको क्या लिखना है, सिंपली वीएस कोड डाउनलोड। ओके, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब आप जैसे ही इस पे हेड ओवर करोगे तो पहले ही लिंक पे मैंने क्लिक किया था और ये हमारा ये चीज ओपन हुआ। आपको इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हो सबसे पहली बात कि ये विंडोज दिखा रहा है, यहाँ पे लिनक्स और तीसरा मैक। आप इन तीनों में से किसी एक के लिए इंस्टॉल कर सकते हो। तो सिंपली मीन्स आप जितना चाहो उतना करो। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले लिख रहा है विंडोज, तो विंडोज के लिए हम करने वाले हैं। और यहाँ पे देखो यूजर इंस्टॉलर लिखा है, ये करने वाले हैं। बट यहाँ पे तीन चीजें दे रहा है, 64-bit, 32-bit, ARM। तो आप इस चीज को नोटिस करो सबसे पहले कि ये है क्या चीज। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको चेक करने वाला हूँ मेरा विंडोज है कितने का। तो सिंपली उसको करने के लिए आप मेन स्क्रीन पे आ जाओ, राइट क्लिक करो दिस पीसी, या फिर आपके पास विंडोज 7 या फिर विंडोज 8 है तो उसमें आपको माई कंप्यूटर ऐसा कुछ मिल सकता है। तो आप उस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ आपका ये, क्योंकि सेटिंग्स में खुलेगा, विंडोज 7 में किसी और में खुलेगा। तो आप उसके अंदर देख लेना, सिस्टम प्रॉपर्टीज खुलेगा उसमें। यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर लिखा है सिस्टम टाइप और यहाँ पर ये चीज बताई हुई है। आपको इसी चीज को देखना है कि कैसे कौन सी चीज वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देखो 64-bit लिख रखा है ये पूरा और इनटू 64 बेस्ड प्रोसेसर। आपको सिंपली क्लोज करना है, वापस आना है अपने ब्राउजर पे और सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। लेकिन ध्यान रहे यूजर इंस्टॉलर ही होना चाहिए, ओके, क्योंकि आप यूजर इंस्टॉलर पे ही वर्क करोगे, दैट्स व्हाई। तो ये हमारा थैंक यू पेज अब लोड हो रहा है और ये हो गया थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग वीएस कोड फॉर विंडोज। और ये हमारा डाउनलोड होने लगा और इसको अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड के लिए वेट कर लेते हैं, उसके बाद इसे रन करेंगे। सो ये हमारा हो रहा है। सो वीएस कोड एडिटर के सबसे ज्यादा फायदे क्या होते हैं? तो वीएस कोड एडिटर का फायदा ये होता है कि अगर आप इसको यूज करते हो तो इसके अंदर आप कितने भी मींस कोई से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आप यूज करना चाहते हो और इसके अंदर राइट करना चाहते हो, अपने कोड को लिखना चाहते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्टेड होते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिस्ट में भी देख रहे हो, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर भी हमारा पूरा ड्रॉप डाउन है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। सिंपली हम इसको इंस्टॉल करेंगे और अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए यूज करेंगे जिसको भी हम सीख रहे हैं अभी इनिशियल कंडीशन में। सो ये हमारा हो गया डाउनलोड। अब सिंपली इस पे आप करो डबल क्लिक या फिर सिंगल क्लिक अगर आप लेटेस्ट में हो तो, और यहाँ पर हमारा ये फाइल रन करना स्टार्ट कर देगा। सो सिंपली रन कर रहा है। अब आपको करना है रन पे क्लिक, ओके, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होता है ये। सिंपली इसको रिफ्रेश करते हैं, तब तक हमारा पेज लोड होगा। तो ये हमारा पेज लोड हो गया। आपको इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत कम ही कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं। सबसे पहले तो हमारा लाइसेंस आ गया। तो लाइसेंस में आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लाइसेंस मिलता है आपको सिक्योरिटी और आपके जो भी यूला कहते हैं उसको, ठीक है, एंड यूजर लाइसेंस। तो ये चीजें आपको दिखाई जाती है, आप सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो इसको। नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब आपको यहाँ पे लोकेशन शो कर रहा है कि आप कहाँ पे सेव करेगा ये अपने आपको, यानी कि पूरी फाइल्स कहाँ पे लोड होने वाली है। तो आप इसको कुछ भी चेंज मत करो, बाय डिफॉल्ट जो है उसको वैसे ही रहने दो, ओके। नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसके बाद आपको ये बोल रहा है कि स्टार्ट मेन्यू पे एक फोल्डर क्रिएट होगा, तो उसका फोल्डर का नाम क्या रखना चाहते हो वो है। तो ये बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो कोड दे रहा है, इसको वैसे ही रहने दो। और यहाँ पे डोंट क्रिएट स्टार्ट पे अगर आप नहीं चाहते हो स्टार्ट मेन्यू पे ये आए तो उस समय ये क्लिक कर दोगे तो कुछ आएगा ही नहीं, ओके। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ये मैं कर रहा हूँ, स्टार्ट मेन्यू पे आना चाहिए। उसके बाद आपको दिख रहे हैं कुछ ऑप्शंस, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इन सभी को क्लिक कर देना है, ओके, टिक रहने चाहिए सारे के सारे। क्यों? क्योंकि आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन आना चाहिए वीएस कोड का। उसके बाद यहाँ पर ओपन विद कोड, जैसे आप राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ओपन विद विजुअल स्टूडियो लिख रखा है। उसके बाद ओपन फोल्डर एस पाइचाम कम्युनिटी एडिशन जो भी कुछ लिख रहा है, तो ये सब चीजें लिख रहा है। उसके साथ साथ एक और चीज आने वाली है अब से, ओपन विद कोड, ओके। आप एक्सप्लोरर विंडो के अंदर ओपन करो या फिर कहीं पर भी, तो वो चीज शो करनी चाहिए उसके लिए। रजिस्टर कोड एज एन एडिटर फॉर सपोर्टेड फाइल टाइप्स, इनके मान लो कि कोई सा भी मैं फाइल खोलता हूँ इसके अंदर और उसको मैं चाहता हूँ कि वीएस कोड एडिटर पे बाय डिफॉल्ट वो सेट कर ले कि वीएस कोड एडिटर से ही खुले, उसके लिए होता है ये। तो ये मैं इसको बाय डिफॉल्ट टिक करके रखूंगा और ये नेसेसरी है, आप इसको कर लो, ओके। अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई सा मत करो, वैसे ही रहने दो। नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये सिंपली ये सब चीजें आ गई जो भी आपने अभी तक किया, तो वो सारी चीजें यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करो, ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू। तो एक्सट्रैक्ट कर रहा है अभी और ये तुरंत हो जाएगा। आपका फोल्डर हमारा बाय डिफॉल्ट इनिशियली ये है, ऐप डेटा में सेव हो रहा है सारी सारी चीजें, आप उसको होने दो, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर दैट वन टू कंप्लीट। सो ये हमारा लगभग हो ही गया है। सो अभी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखो विजुअल स्टूडियो VS, तो यहाँ पे आपको शो करेगा नीचे की साइड। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2019 लिख रहा है, इसके लिए है।
उसी तरीके से एक और फोल्डर बनने वाला है अब से इसमें, और उसको शो करने वाला है ये। ओके तो यहाँ पे ये हमारा लगभग हो गया है, थोड़ा सा ही बाकी है, सो लेट इट कम्प्लीट। और ये हमारा हो गया, देखो यहाँ पे अब पेज क्या आया, कम्प्लीटिंग द विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये हमारा विजर्ड पूरा कम्प्लीट हो चुका है, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली देखो सेटअप एज फिनिश्ड, और यहाँ पे आपको लॉन्च के लिए दे रहा है। आप सिंपली अगर टिक रहने दोगे और फिनिश पे क्लिक करोगे तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड रन करना स्टार्ट कर देगा। आप इस पर अनटिक कर दोगे तो वो टिक मीन्स रन नहीं करेगा। मैं सिंपली फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ और आपको कुछ चीजें शो कर देता हूँ। सबसे पहली बात आप देखो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर कुछ आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा था इसको और फिर से अनइंस्टॉल करके शो कर रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे देखो एक फोल्डर और आ गया विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ पे देखो विजुअल स्टूडियो कोड शो कर रहा है, सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने स्क्रीन पर ताकि ये यहाँ पर भी रहे। रिफ्रेश किया, इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ओके अब इसको आप सिंपली पिन भी कर लो, क्योंकि हम अपने कोड के अंदर बहुत बार इसको यूज करने वाले हैं, तो इसको मैं टास्क बार पे पिन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे आ गया, इसको इधर कर देते हैं। और सिंपली अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसका लुक कैसा होता है वो भी देख लो। अगर आप बिगनर हो और पहली बार इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो इसका लुक कैसा है वो भी देख लो। अब आप देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ओके, गेटिंग स्टार्टेड लिखा है या फिर वेलकम लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका पेज कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, और वेलकम भी दिख रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे बता दो ये फाइल एक्सप्लोरर होता है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जो भी फाइल आपने ओपन कर रखी है या फिर ओपन करोगे, फोल्डर को ओपन करोगे, सारी चीजें यहाँ पे शो करता है। आप यहाँ पे सिंपली ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो एक नया फोल्डर खोल सकते हो, क्रिएट भी करना चाहो तो क्रिएट करके ओपन कर सकते हो, वो चीज़ है। फाइल पे आप जाओगे, यहाँ पे सिंपली फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसमें से यूजफुल कौन सा है मैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करो, न्यू फाइल पे नई फाइल क्रिएट होगी, अनटाइटल रहेगा, आपको उसको रन करना है, उसका कोई भी एक्सटेंशन सेट करना चाहते हो कर सकते हो। न्यू विंडो पे एक नया विंडो ओपन होता है, उसके बाद ओपन फाइल पे एक फाइल पहले से बनी हुई है उसको ओपन करना चाहते हो तब के लिए ओपन फोल्डर, अगर फोल्डर बना हुआ है या फिर बनाना चाह रहे हो उसके बाद ओपन करना चाह रहे हो तब के लिए। और वर्कस्पेस तो ये ऐसा होता है आप काम कर रहे थे पहले और उसको ओपन करना चाहते हो तब, जो भी आपने फाइल्स पे वर्क किया और उसको देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप जैसे ही होवर करोगे देख सकते हो। तो ये मैंने काम किए कुछ तो इस वजह से ये चीज़ें मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, दैट्स वाई। बट आपके में हो सकता है शो ना करे तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है ये सर्च के लिए, सर्च के अंदर आप जाओगे तो जो भी कंटेंट पे आप वर्क कर रहे हो उसके अंदर आप सर्च करोगे, उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद ये गिट रिपोजिटरी के लिए होता है, यानी कि कोई भी रिपोजिटरी हो इसको क्लोन करना हो कुछ भी करना हो तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पे आप रन पे जाओगे तो ये आपको रन करना भी दिखाएगा, उसके बाद आप डीबग कोई भी फाइल खुली हुई है उसको डीबग भी कर सकते हो, एरर पता कर सकते हो। उसके बाद एक्सटेंशन के अंदर आते हैं और मैं बताता हूँ कुछ एक्सटेंशन भी हैं इसके अंदर जो आपको इंस्टॉल करने बहुत ज़रूरी हैं, जो बेसिकली आपको हर एक के लिए चाहिए होंगे, एंड दैट मैं वो बताने वाला हूँ। तो आप सिंपली लिख दो प्रीटियर, ओके, तो आपको प्रीटियर इंस्टॉल करना है सबसे पहले। प्रीटियर यहाँ पे आप जैसे प्रीटियर पे जाओगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ही आ गया प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, आपको सिंपली इस पे जाना है और जैसे ही पहला ही आएगा और ये प्रीटियर कंपनी की तरफ से, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। आप देखो यहाँ पर ये लोड हो गया, मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है, दैट्स वाई ये कुछ ऐसा शो कर रहा है। आपको सिंपली इस पे मैं यहाँ पे एनेबल कर देता हूँ, मेरे में डिसेबल था। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये प्रीटियर को आपको इंस्टॉल करना है, प्रीटियर कंपनी की तरफ से है। और ये आपको क्या करता है, आपको जो भी कंटेंट लिखते हो आप, जो भी कुछ रहेगा आपके कंटेंट में, यानी कि जो भी फाइल डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा, वो चीज़ों को ऐसे फॉर्मेट करता है कि वो देखने में भी बढ़िया लगे और कंटेंट थोड़ा क्लीन रहे। क्लीन करने के लिए होता है ये HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, अब जिसको भी देख लो सभी को फॉर्मेट कर सकता है। सिंपली क्लोज करता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर आपको इंस्टॉल करना होता है, दैट इज अगर आप चाहो तो करो ये वाला या फिर ना करो, वो कौन सा है, VS कोड आइकन्स। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ आइकन्स, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला ही आ गया, यहाँ पे लिखा है VS कोड आइकन्स। तो यहाँ पे VS कोड टीम की तरफ से है। यहाँ पे क्या है, VS कोड आइकन्स ये कौन से होते हैं, तो ये आपके जो भी फाइल है मीन्स जो भी आपको, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी कुछ फाइल आप यहाँ पे खोलोगे तो उसका कुछ न कुछ एक्सटेंशन रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो एक फाइल, एक ब्लैंक पेज जैसा इस शो कर रहा है इसका जो भी आइकन है, उसकी जगह पे आप चाहते हो कि एक बाय डिफॉल्ट कोई और सा आइकन आना चाहिए, तो सिंपली इसको इंस्टॉल करोगे, उसके बाद सेट फाइल आइकन पे आओगे और VS कोड पे क्लिक कर दोगे, सारे आइकन उसी जैसे हो जाएंगे। सिंपली इसको क्लोज करता हूँ मैं। नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर आती है वो कौन सी है, आप इसके अंदर लाइव सर्वर को इंस्टॉल करो, लाइव सर्वर। सिंपली लाइव सर्वर पे आओगे तो सबसे पहला ही है रिटविक डे की तरफ से या फिर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो आप सिंपली चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट का इंस्टॉल करो या फिर चाहो तो रिटविक डे का इसको इंस्टॉल करो। तो आप इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि मेरे में इंस्टॉल्ड है दैट्स वाई ऐसा शो कर रहा है, आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली उसको छोड़ दो, ओके, आपको कुछ करना नहीं है इसको।
जैसे ही उसका वर्क आएगा वो अपने आप ही स्टार्ट कर लेगा। तो जैसे यहाँ पर आता हूँ मैं और सिंपली एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो या फिर यहाँ पर या फिर ये सब, ये कौन सा होता है एक नॉर्मल अनटाइटल्ड फाइल बनाने के लिए। कैसे, यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे वही चीज बनेगी, यहाँ पर क्लिक करोगे तो वही चीज बनने वाली है। यहाँ पे आप देख लो कोई फोल्डर सेलेक्टेड नहीं है, कोई फोल्डर सेलेक्ट कर लोगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, मैं वो ऑप्शन शो करता हूँ। तो ओपन फोल्डर करूंगा, ये बाय डिफॉल्ट हमारा जो यूजर डायरेक्टरी होता है उसके अंदर आता है। आपको क्या करना है, अपने जो भी लोकेशन पे जाना है वहां पर जाओ, सिंपली एक न्यू फोल्डर पे क्लिक करो, उसके बाद लिख दो कुछ भी आप नाम देना चाहो उसको लिख दो। तो मैं यहाँ पे वीएस कोड लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर और ये आ गया। अभी उस फाइल को मीन्स फोल्डर को ओपन करेगा यहाँ पे, ओके, फाइल नहीं फोल्डर को ओपन कर रहा है। फोल्डर को ओपन करने के लिए पूरी तरह से रिफ्रेश कर लेता है ये खुद को, सिंपली गेटिंग स्टार्टेड आ रहा है, इसको क्लोज कर दो आप। उसके बाद यहाँ पर देखो ये कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो सबसे पहला होता है न्यू फाइल के लिए, दूसरा होता है न्यू फोल्डर यानी कि कोई और सा फोल्डर इसके अंदर बनाना चाहते हो तब के लिए, ये रिफ्रेश करने के लिए और ये कोलैप्स करने के लिए। जैसे मान लो कोलैप्स क्या है इसके अंदर, जैसे ये देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये जो नीचे की तरफ था आउटलाइन वो ऊपर आ गया, ये खुला था अब ये बंद हो गया, खुला बंद हो गया। ये चीज आप करना चाहते हो तो इसको क्लिक करोगे, लेकिन ये इस पे वर्क नहीं करता है, जो भी अंदर की तरफ बनाया आपने वो उस पे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, लिखता हूँ html.html, तो अब देखो यहाँ पे एक आइकन आया, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि वीएस कोड के आइकन जो होते हैं वो यहीं पे सेट होते हैं। यहाँ पे देखो ये चीज शो कर रही है, ये आपको लिखने के लिए आ गया। तो जैसे इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बॉयलेट पार्ट्स और वो सब चीज आ जाती है, जैसे आप शिफ्ट और वन प्रेस करोगे तो ये आपको शो कर रहा है कुछ चीजें। अब यहाँ पर जाओगे तो ये चीज शो कर रही है, तो ये चीज ये आप बाय डिफॉल्ट ला सकते हो, ये HTML का बेसिक कोड होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप बहुत आसानी से ला सकते हो, इसको मैं सिंपली सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैं शो करना चाह रहा हूँ उसके अंदर है, ये एक फोल्डर क्रिएट करता है, मैं सिंपली फोल्डर पे जाऊंगा, इसका नाम लिख देता हूँ फोल्डर, ओके फोल्डर वन, सिंपली मैंने लिख दिया, ये देखो फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे मैं इस पे क्लिक करके रखूंगा और इस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे मेन डायरेक्टरी में आ गया। बट अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर बनाना था, इस पे क्लिक करूंगा फोल्डर पे, उसके बाद यहाँ पे देखो फोल्डर के अंदर आ रहा है, मैं इसका नाम लिख दूंगा test.py, ऐसे जैसे पाइथन का फाइल होता है उस तरीके से। यहाँ पे आप देखो पाइथन का ये एक्सटेंशन लोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सटेंशन लोड कर रहा है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक्सटेंशन को लोड करते हैं, कॉन्फिगर करते हैं वो चीजें। बट यहाँ पे देखो test.py में यहाँ पे आइकन भी आ गया पाइथन का, ओके इसको सिंपली क्लोज करता हूँ मैं इसको भी। अब आप देखो ये फोल्डर के अंदर बन गए, अब ये क्योंकि फोल्डर ओपन है ये कोलैप्स का क्या काम है, तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको क्लिक, अब देखो फोल्डर बंद हो गया, इसको मैं फिर से खोल देता हूँ, फिर से बंद हो गया। ये रिफ्रेश करने के लिए होता है, पूरी तरह से इसको रिफ्रेश करके और फिर से लोड कर देता है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। सो ये था हमारा वीडियो किस तरीके से हम वीएस को एडिटर को इंस्टॉल करते हैं, इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन जो मेन है उसको कैसे हम यूज करते हैं और इंस्टॉल करके इसको कैसे रख सकते हैं। सो वीडियो सुन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।